अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज आपसे काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, मेरे ख्याल में 4 या 5 दिन बाद। तो मैंने 4-5 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आज मैं ऐसी रैंडम घर पे वीडियो बनाऊँ, आपको दिखाऊँ मेरे घर में कितने पेट्स हैं। एंड मैं हम लोग बाहर स्ट्रे एनिमल्स को खाना डालते हैं, तो उनको भी पाल ही रहे हैं एक तरह से। और शाम में, शाम का टाइम क्या हो रहा होता है मेरे घर पे, वो बस ये इन सब चीज़ों को शेयर करने मैं आपके साथ यहाँ पे आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब माय यूट्यूब। सो शाम का वक्त है, मगरिब होने वाली है कुछ ही देर में। तो हम लोग, मैं बस ऑफिस से अभी ही घर आई हूँ, और आके मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वीडियो ही बना लूँ। तो दिस इज़ माई ब्यूटिफुल हाउस, एंड इसको ब्यूटिफुल बनाने में मेरे अम्मा अब्बा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं इस घर को और वही सब सजाते हैं। जस्ट लाइक दी स्पॉट्स ये मेरे अब्बा के लगाए हुए हैं, वही ये सब कुछ करने के शौकीन हैं। इवन पूरे घर को उन्होंने ही, मतलब जो हमारे घर में ग्रीनरी है, ये बेसिकली वॉज इनिशली ये दादी का घर है मेरी, तो अब ये हम लोग मेंटेन करते हैं। तो अब उन्हें पौधे लगाए हुए हैं, फूल लगाए हुए हैं। आती चलूँ, ये हमारा चाइना रोज़ लगा हुआ है, ये तो हर किसी के बचपन में, आई एम सो सॉरी आपको आवाज़ आ रही होगी पॉपकॉर्न वाले की, ये चमेली लगी भी है, इस तरह के पौधे। अब उन्हें जगह, अब प्यारे प्यारे पौधे लगे हैं। हमारे पास मनी प्लांट बहुत है, और इवन हमने मनी प्लांट को अंदर भी अपने घर में भी लगाया है। ये शरीफे का दरख्त है, दिस वन। हमारे यहाँ झूला भी है जो शाम में बच्चे बैठते हैं देखने, मटकियाँ, ये सब मेरे अबू ने लगाई हैं, अम्मी अबू की मेहनत है। वो रबर प्लांट है, एंड दैट्स द नारियल का पुराना सा दरख्त। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये इस खिड़की तक आता था, अब वो माशाल्लाह से इतना अच्छा ग्रो कर गया। ये पाम ट्री भी मेरे अबू के हाथ का लगा हुआ है, जो आज माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बेचारा बहुत टेढ़ा उगा है, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए होती है, बट यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी, बट स्टिल इट्स ग्रोइंग माशाल्लाह माशाल्लाह। अक्सर यहाँ पे ना शाम में बैठ के चाय का एक वो होता है, राउंड होता है, यहाँ पे बैठ के शाम की चाय पी जाती है, हवा भी अच्छी चली होती है पीछे, पत्ते वत्ते सब खूबसूरत लगता है यहाँ बैठ के, और रिफ्रेशिंग सा एक फील आता है। तो सारे फैमिली मेम्बर्स यहीं बैठ के चाय पीते हैं, थोड़ी सी बातचीत होती है, डिफरेंट स्टोरीज डिस्कशन चलते हैं, सब कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं इस टाइम पे, तो बस यही होता है हमारा शाम का रूटीन, और बाकी तो कुछ खास नहीं। आज तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस भी है, डांस प्रैक्टिस भी है। आई एम सॉरी, कुछ पर्सनल, ऑब्वियसली पीपल डोंट लाइक टू शेयर, मैं दिखा नहीं सकती, मैंने ज़रूर दिखाती, बहुत मज़ा आता है उस प्रैक्टिस में। मेरा जो काजल है ना, वो गर्मी की वजह से जी फैला हो गया, देखिए यहाँ पे फैल गया पूरा। गर्मियाँ आ गई हैं यार कराची में, बहुत गर्मी हो रही है दोपहर में, तो अच्छा अजीब सा मौसम है। रात को दिल नहीं करता कि ज़्यादा तेज़ पंखा चलाया जाए या चलाया भी जाए, बट चलाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मच्छर बहुत काटते हैं आजकल, मच्छरों ने अटैक किया हुआ है कराची में, हर जगह इतने मच्छर हैं। और दोपहर में तो इतनी गर्मी लग रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं, स्पेशली द टाइम अराउंड 12 बजे से लेके 3 बजे तक का जो टाइम है, बहुत गर्मी होती है कराची में। बाकी जगह तो अभी तक सर्दी है थोड़ी बहुत, हमारे यहाँ तो ताड़ा पाए पाए हो चुकी है। ये मेरी, इस पर देखो, ये मेरी भतीजी है, इनके बहुत भरम है, ये बहुत भरम मारती है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी दूसरी है जो एक नंबर की हीरोइन है, ज़ैनब नाम है इनका, इनका नाम आमना है। और ये उमर है हमारा, अभी आएगा ये उमर, बोले वो पीछे उमर को। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आमना? मैं ग्रेड 1 में पढ़ती हूँ। ये ग्रेड 1 में है आमना, कौन सी क्लास में? लूवी 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 ब्लूबी। तो क्लास की तो होती है ना, नर्सरी है, प्री नर्सरी है, उफ देख रहे हैं आप लोग, भरम देख रहे हैं बच्ची के। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? करीब नहीं आते कैमरे के, नाम बताओ। ये उमर है,
ये उमर है, ये आमना का फ्रेंड है ना? मेरा नहीं है। तो फिर किसका फ्रेंड है? तुम्हारा तो फ्रेंड था पहले, ये अब नहीं है तुम्हारा फ्रेंड? तुम्हारा फ्रेंड नहीं है? Why? तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं है अब उमर? अब तुम्हें तंग करता है? कोई बात नहीं, बड़ा भाई है तुम्हारा। और वो ना तुम्हारे चिप्स खा लेता है, तुम्हारे चिप्स खा लेता है। यहाँ बच्चों की लड़ाइयाँ होंगी। गाइस लुक एट दीज, दीज आर सो क्यूट क्यूट। हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पे। पटूलो सो क्यूट। बाकी सो रहे हैं, वो एक सो रहा है मोटू सा। यार इसे जाने क्या होते हैं? कुची 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 लेकिन गाइस और भी उठ के आ रहे हैं। इतने पारू क्यों होते हैं यार? Why are they so cute, this one? यार इतने प्यारे क्यों हैं वो टूला? सच जानू आपको इस बड़ी को दिखाऊं मैं, इतना हसीन है ये कि बाहर आ जाए। And this one is the most cutest. यार जानूस वो रे सो रहे। दो आए मैंने देखा, वहीं जाओ यार। सो क्यूट। सुबह तो बड़े मुश्किल से इनको बचाया जाता है क्योंकि ये स्ट्रे डॉग्स के बच्चे ना बहुत जल्दी गाड़ियों के पास आके मर जाते हैं। ओनीश व्हाट आर यू डूइंग? ओनीश ओनीश यहाँ पे ना खतरा इतना होता है। और सुबह के वक्त स्कूल का जो टाइम होता है ना वो बड़ा बुरा होता है। इस टाइम पे वैनें इतनी ज़ोर ज़ोर से करीब करीब से जा रही होती हैं इनके। वो डर रही है। आ तो नहीं रही अम्मी? नहीं नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। तुम ऊपर रख दो। हाँ बस वो आ गए। मैं इनको ऊपर रख दूँ क्योंकि ये ना सारे नीचे आ जाओ जाओ उधर जाओ। सब बच्चों को उनकी अम्मा के पास कर दिया मैंने ताकि, क्योंकि एक बच्चे बड़े बेहोश सो रहे हैं वहाँ पर। ओह बेबी सामने ही डाला था, ये खड़ी हुई है बराबर में मेरे। वो देखना लोट पोट हो रहे हैं सारे, गिर गिर के गिर गए वो। अब देखो बच्चे उनके पीछे पीछे भागते हैं। जानवरों की ना कमी नहीं है। ये भी एक हमारे पास कालू हैं, ये भी बच्चे थे, इनको भी हमने पाला है बच्चों से। बहुत सारी बिल्लियां हैं हमारे पास, ये तो एक है। दूसरी कहाँ है देखो, ये हमारे जेरी है। जेरी यूरी भी दिखाती थी हमारी। हमारे पास मिट्ठू भी हैं, मेरी मिट्ठू 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 बेटी जल कुकड़ी है ये। वैसे बहुत जल कुकड़ी मिट्ठू है, मैंने इनसे बड़ी जल कुकड़ी मिट्ठू नहीं देखी आज तक। और ये इनके बच्चे हैं, उन्होंने बच्चे दिए थे, इनके चार बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं, ये शौक मेरी अम्मा का है। मेरे बेटे साहब एक बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, वो अक्सर ऊपर होती है मेरे पास घूम रही होती है। तो यहाँ पे यही सिलसिला चलता रहता है, शाम में यहाँ बैठा जाता है। अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है यहाँ पे। आई नो परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए बट ये हमारी ही ब्रीड किए हुए मिट्टू हैं। तो जिस दिन को ढूंढा जा रहा था वो डॉबी एरी, इनका नाम डॉबी है। इनका कलर कितना प्यारा है, देखें ये ऊपर
क्या हो गया बेटा, तुम इतनी सूख क्यों गई हो? सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी. इट्स अ वेरी क्यूट व्लॉग रिलेटेड टू माई पेट एनिमल्स एंड माई स्ट्रे डॉग्स, जिनको हम सब मिल के पालते हैं. मैं, मेरे अम्मा अब्बा और मेरे बहन भाई, हम सब जानवरों के बहुत शौकीन हैं. तो हम इस मच्छर मार को ज़रा पीछे हटा दूँ, क्योंकि ये बार बार मेरे फ्रेम में आ रहा है. वैसे इट्स वेरी यूज़फुल, मैं आपको बताऊँ कसम से. एक एक को चुन चुन के मारते हैं रात को, इतने मच्छर हैं. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एनिमल क्रूल्टी से रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहती हूँ कि आप लोग जानवरों से प्यार करें काइंडली. उन बेजुबानों को प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको कोई बिल्ली दिखे, कोई कुत्ता दिखे, कोई गधा दिखे, कोई भी जानवर, तो उनको ज़रूर ज़रूर खाना दें, पानी दें. मतलब जहाँ आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, ये भी एक किस्म से सदका ही है आपके. और आपको ना ये सब जब आप करेंगे ना, तो आपको इतने दिल से खुशी मिलेगी ना कि आपकी सोच है. मतलब जो लोग जानवरों से प्यार नहीं करते उनको मारते हैं, स्पेशली जो गधों के साथ जुर्म करते हैं. मुझसे देखा नहीं जाता वो, क्योंकि गधे बेचारे इतने मासूम होते हैं. मैंने कई बार रेस्क्यू कराया है शेल्टर होम्स में डोंकीज़ को, के क्योंकि वो बाहर रोड्स पे ऐसे ही ज़ख्मी हालत में चल छोड़ देते हैं यार. उनके मालकान जो होते हैं गधों के, उनको छोड़ देते हैं. फिर वही गधे जो हैं वो फिर गलत इस्तेमाल में जाते हैं, जैसे गोश वोश का पिछले अरसे आ रहा था. तो इन सब चीज़ों से ना बचना चाहिए. आपको कहीं भी कोई एनिमल आपको कोई ज़ख्मी हालत में, या कोई बेचारा भूखा है, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए. वो बेजुबान है, वो आपको नहीं बोलेंगे, आपको ख़ुद से ही करना पड़ेगा ये एफ़र्ट. अगर आप नहीं कर सकते तो आप रेस्क्यू शेल्टर वालों को फ़ोन करें, उनसे आप मदद लें, वो आ जाते हैं. ऐसा नहीं है, बस उनको थोड़े से पैसे देने होते हैं. ऑब्वियसली वो भी रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं, तो वो फ्री का तो नहीं खाना वाना खिला रहे हैं किसी को ना. तो आपको मदद कर देनी चाहिए. हमेशा याद रखें कि अगर आप इतनी सी नेकी करेंगे तो वो नेकी आपकी कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगी आगे. तो बस मैं यही बात करना चाहती थी, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए. और जब तक के लिए, नए अगले ब्लॉग तक के लिए, अल्लाह हाफिज़.